तो किसान भाइयों, मेरी तरफ से राम राम। किसान डेयरी बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार मीना, और फ्रेंड्स मैं आपको देखो यहाँ किसान डेयरी बिजनेस पे आपको सिर्फ नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। और ये आपको बाकी नेपियर दिख रहा है आज, ये जो स्मार्ट नेपियर बोला जाता है वो वाली वेरायटी है। और मैं आज की वीडियो में देखो मैंने बहुत सारी वेरायटियों को काम किया है, मुझे पूरी नॉलेज है, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसी को मैं किसानों को रिकमेंड करता हूँ। बाद हम जाके क्वेश्चन करते हैं तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि किसानों को अच्छा फायदा मिलना चाहिए ताकि वो कौन सी वैरायटी लगाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है मेरे पास में स्मार्ट नेपियर की वैरायटी नहीं है, है मेरे पास में, लेकिन मैं इसको सेल क्यों नहीं करता हूँ, और इससे और जाइट किंग वैरायटी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उनके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो और आपको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो पाए। तो आपको ये फर्स्ट बार में आप दिख रहा है, ये आपको स्मार्ट नेपियर है, आपको दिख रहा है ये काफ़ी अच्छा है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी खाज खुजली वगैरह किसी भी तरह के कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा मुलायम चारा है, ऐसा नहीं है ये मुलायम नहीं है, आप किस तरीके से भी तोड़ मरोड़ सकते हो, बहुत अच्छा सा मुलायम चारा है। और फ्रेंड मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से मुझे खुशी मिलती है, ताकि आपको और भी ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर एक कन्फ्यूजन दूर हो पाए। और सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी होती है, कौन से, और देखो एक चीज़ के बारे में वीडियो में अलग से चैनल बनाने वाला हूँ, जो हो सकता है उसके बारे में आपको ज़्यादा ज़्यादा हेल्प मिले, क्योंकि गरीब स्थिति वो चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो इससे बाहर कैसा निकला जाए, क्योंकि गरीब स्थिति लोगों की, तो उन लोगों को हेल्प मिले, इसलिए उनसे रिलेटेड भी मैं भी एक टाइम ऐसा ही गरीब था, तो मैं कैसे निकला बाहर, किस तरीके से मैंने बिजनेस शुरू किया, किस तरीके से मैंने बहुत सारी ठोकरें खाई, वो सारी रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा ताकि किसानों को एक ऊर्जा प्राप्त हो और वो भी लाइफ में कुछ एक बड़ा कर सके। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं अलग चैनल बना सकता हूँ, या फिर हो सकता है इसी चैनल पर डालूँ, आप जो भी जिस तरीके से बताओगे उस हिसाब से मैं काम करूँगा, लेकिन वो सारी बातें अलग रखी है साइड में, और फिर चलती है टॉपिक की ओर ऊपर बात। तो फ्रेंड देखो ये स्मार्ट नेपियर है, क्योंकि ये स्मार्ट नेपियर है, मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं, तो मुझे सारे नॉलेज है कि किस तरीके से मतलब किसान की ज़िंदगी होती है, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे पिताजी भी बहुत गरीब स्थिति से थे, तो मुझे बिल्कुल पूरी चीज़ का अनुभव है। तो ऐसे में देखो किसानों को सही चीज़ कोई बताता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ है जो सच्चाई, सभी चीज़ के बारे में मैं सच्चाई बताता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है जो स्मार्ट नेपियर है। अब स्मार्ट नेपियर जाइट किंग वैरायटी के अंदर डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपको ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है जो स्मार्ट नेपियर है, इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, सभी कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ से, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है ये वाला भाग, यहाँ से अब यहाँ से ख़त्म होने के बाद मैं आपको जाइट किंग वैरायटी के ऊपर बताऊंगा कि जाइट किंग वैरायटी कैसी होती है, तो आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ताकि आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, और इससे रिलेटेड आपको कौन से किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, कब लगाना चाहिए, किस तरीके से सारे रिलेटेड आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना, बीज चाहे कहीं से भी खरीदिए, लेकिन मुझसे एक बार नॉलेज ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं मैं सेलिंग का काम करता हूँ, सेलिंग से अलावा भी आप सिर्फ नॉलेज भी ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास से ही खरीदो स्टिक, लेकिन आपको मैं एक तो जेन्युइन चीज़ देता हूँ और आपको भरोसेमंद काम होगा, चाहे आप नॉलेज के लिए कहीं से भी खरीद रहे हो तो भी नॉलेज ले सकते हो ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। चलिए आप जाइट किंग की ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर ये इससे से ख़त्म हो चुका है ये स्मार्ट नेपियर। अब यहाँ हम आ चुके हैं जाइट किंग वैरायटी के ऊपर, देखिए जाइट किंग वैरायटी किस तरीके की है। अब दोनों में कोई सेम अंतर नहीं है, कोई भी तरीके का कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जाइट किंग वैरायटी है, अब इसके अंदर बहुत थोड़ा रौनक आ रहा है, अच्छा चारा है ये, पौष्टिक चारा है, और इस तरीके से कोई भी टाइटपन वगैरह किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है, चौड़े पत्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और मतलब इसका जो पौधा किस तरीके का मोटापन होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो मक्का क्रॉसिंग घास बताया जाता है आपको यहाँ पर रियल में दिख रहा है ये सब कुछ, मैं आपको कोई झूठ वगैरह ऐसी कोई वो नहीं है। ये देखिए आपको मक्का क्रॉसिंग घास है, खूब अच्छा मोटा पौधा ऑटोमेटिक दिखता है कि किस तरीके का पौधा है ये आपको रियल में देख लो किस तरीके का पौधा है। और अभी ये अभी कटाई हुई है, इसलिए इसके अंदर काफ़ी सारी फूटाने निकल रही है, ऐसा नहीं है निकल नहीं रही है, यहाँ पर देखो काफ़ी सारी फूटान निकल रही है, अभी कटा हुआ है क्योंकि कलम सेल की थी इस जगह से, तो कलम के लिए कटा हुआ पौधों को दिखा रहा हूँ मैं। अब ये स्मार्ट ने जो जाइट किंग वैरायटी है, तो आपको देख रहे हो जाइट किंग वैरायटी, अब दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे ताकि कौन सी वैरायटी आपको लगाना चाहिए। ये आपको जाइट किंग वैरायटी दिख रही है,
और मेरे पास मैं सभी वेरायटी पर काम करता हूँ, मैं सभी पे मैंने काम कर चुका हूँ पहले से। मुझे कौन सी वेरायटी के अंदर रिजल्ट मिला तब जाके मैंने किसानों को कलम सेल करना शुरू किया था और यहाँ पर, ताकि किसानों को ज़्यादा बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं है मैं मेरे फायदे के लिए मैं किसानों को कुछ भी बता दूं। देखिए यहाँ पर आपको ये पौधे दिख रहे हैं, इसके अंदर फूटान भी देख लो, आपको ये इसका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फूटान कितना है, एक पौधा करीबन आपको दोनों हाथों की जो बाहों में भरोगे उतना एक पौधा है। इसकी फूटान बहुत ज़बरदस्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी वैरायटी बहुत अच्छी है, स्मार्ट नेपियर बताते हैं वो भी एक अच्छी वैरायटी है, और जाइट किंग जो एक CO4 वैरायटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बारे में अलग से वीडियो बता दूंगा। आप अगर कॉल करोगे या फिर कॉल भी नहीं करोगे तो आपको वीडियो भी अलग बता दूंगा, कमेंट करके बता देना। तो अब बात करते हैं कि इसको मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ, जो जाइट किंग वैरायटी को ज़्यादा रिकमेंड क्यों करता हूँ। सभी को मैं बताता हूँ कि जाइट किंग वैरायटी लगाना चाहिए। देखिए इसके अंदर एक तो आपको पूरा वर्ष भर चारा उत्पादन मिलेगा। अब जब स्मार्ट नेपियर के अंदर आपको वो चीज़ पूरे वर्ष भर नहीं मिल पाएगा, 4 महीने के लिए किसी बाकी जाइट किंग वैरायटी के मुकाबले में बाकी नेपियर घास में आपको 4 महीने के लिए ठप रहेगा, बिल्कुल बंद हो जाएगी उसकी ग्रोथ, ऑटोमेटिक सूखापन आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर बाद में जाके 4 महीने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई उत्पादन नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो आपको जाइट किंग वैरायटी के अंदर पूरे साल भर, हालांकि देखो 10 या 5 दिन का अंतर हो सकता है, 10-5 दिन लेट आएगी सर्दियों के अंदर, लेकिन ग्रोथ मिलेगी आपको बराबर मिलेगी, कोई तरीके से कोई भी इशू नहीं आएगा, और दोनों में कोई तरीके का कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ वो चीज़ है, एक तो आपको 4 महीने के लिए ग्रोथ बंद हो जाएगी उसके अंदर, इसके अंदर ग्रोथ बंद नहीं होगी जाइट किंग के अंदर, और दूसरी चीज़ इसके अंदर मिठास की मात्रा 20 से 25% शुगर की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि 20 से 25% शुगर की मात्रा मिलेगी तो किसानों को मतलब पशुओं को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनका सेहत भी अच्छी रहेगी, और अलग से जो मिठास होता है पशुओं को, जो यानी कि एक तरीके की अलग विटामिन मिलती है उसको, तो उससे वो संतुष्ट होता है, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है। अब ये जाइट किंग वैरायटी को आप किसी भी जानवर के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी पशु के लिए, क्योंकि इससे फायदा यही है, इसको आप कभी भी किसी भी पशु के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर मिठास कम है। दूसरी चीज़ आपको 4 महीने के लिए ठप देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो जाइट किंग वैरायटी के अंदर आपको बराबर से इसकी ग्रोथ मिलती रहेगी। और रही बात एक चीज़ और, जो किसान कहते हैं कि खाद खुजली वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे आप कैसी भी वैरायटी हो, क्योंकि मैं सत्य बात बताता हूँ, किसी भी तरीके की झूठ नहीं बताता हूँ, जो चाहे आप बाकी कितनी भी वैरायटी लगा लो, लेकिन 2 से 5% सभी वैरायटियों के अंदर कांटा या खाद खुजली की समस्या होती है, क्योंकि बाकी किसान कोई नहीं बताता है ये 4G बुलेट है, ये AC बुलेट है, ये SC बुलेट है, लेकिन सत्यता पे काम करने वाला पहले ही जरूर बताएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर नहीं, किसी भी वैरायटी पे काम कर लो, मैंने सारी वैरायटी लगा के छोड़ दी, तो मुझे सारा अनुभव है। तो यानी कि ऐसी कोई मतलब आप काटोगे, ऐसी कोई अगर कुछ भी करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा कोई एहसास नहीं कर सकता। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर गौर कर तब जाके एहसास हो सकता है, बाकी किसी भी वैरायटी के अंदर, और जो 2-4 वैरायटी है उनको मैं अलग से रिकमेंड कर देता हूँ, वो जो कांटे से रिलेटेड जानी जाती है तो वो वैरायटी अलग होती है, लेकिन इन वैरायटियों के अंदर बिल्कुल भी कोई कांटे खाद खुजली वगैरह कोई भी इशू नहीं आता है, और बाकी बहुत अच्छी वैरायटी है, आपको ये दिख रहा है बहुत अच्छे से, और हमारा काफ़ी बड़ा फार्म है, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर इतना ज़्यादा अनुभव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को जो टाइम नहीं होता है, टाइम मिलने की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। तो दोस्तों दोनों के अंदर यही वैरायटी का अंतर है, अगर फिर भी कोई और वैरायटी के अंदर आप डिफरेंस जानना चाहते हो तो मैं आपको और भी वीडियो लाकर रहूँगा, और चलिए ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वीडियो प्रेस कर लेना। अगर कलम स्टिक खरीदना चाहते हो तो आप इसका बीज खरीदना चाहते हो जो स्टिक, तो आप मेरे को कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो, और कोई भी तरीके की नॉलेज के लिए भी कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका सुपुत्र संतोष कुमार मीना आपकी हर तरीके की समस्या का समाधान करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।